बड़ा झंडा इसलिए नहीं फहराता क्योंकि हवा चलती है, यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। यह बात 200 साल पुरानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही तेजी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ रही थी। गुरखा साम्राज्य भी उसी दौरान अपने वर्चस्व को साबित करते हुए गढ़वाल, कुमाऊं, सिक्किम और उस वक्त की अंग्रेजों की मिल्कियत अवध को अपने अधीन करना चाहता था। दोनों की हुकूमतें पीछे हटने को तैयार नहीं थी और उनकी यही जिद उन्हें जंग के मैदान में ले आई। और गुरखाओं ने जब अपने रास्तों पर से रहे तिब्बत और अंग्रेजों के बीच के व्यापार पर रोक लगाई तो फिर हुआ एक महायुद्ध, एंग्लो नेपालीज वॉर। गुरखा साम्राज्य जो कि आज के समय में नेपाल है, 1814 में अंग्रेजों से 1500 किलोमीटर फैली हुई जमीन पर लदा। अंग्रेजों का पलड़ा हर मायने में भारी था। उनकी नफरी ज्यादा थी, उनके पास पैसा ज्यादा था, उनके सैनिकों के पास आधुनिक हथियार थे, लेकिन उनके पास जो नहीं था वो था गुरखाई खून। और जनरल भक्ति थापा और बड़कजीत अमर सिंह थापा, सरदार भक्ति थापा और अमर सिंह थापा ने अपने जोश और आक्रोश को इस तरह से अपने सैनिकों में भरा कि महज खुखरी हाथ में लिए ये सैनिक अपने आप को शेर और अंग्रेजों को गीदड़ समझ रहे थे। 74 साल के भक्ति थापा और उनकी गुरखा सेना साल भर तक अंग्रेजों पर भारी पड़ी। अंग्रेजों को यह यकीन हो चुका था कि जमीन पर वो गुरखा सैनिक को काबू नहीं पा सकेंगे और इसलिए उन पर हमला ऊंचाई से करना होगा। युद्ध नीति बदलते हुए अंग्रेजों ने दियोथल के मौलान किले पर कब्जा किया जो कि इस 1500 किलोमीटर खींचे इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ थी। मलाउन को अंग्रेजों से छुड़ाना अब गुरखाओं की पहली प्राथमिकता थी और इस लड़ाई में आमने सामने थे 400 गुरखा सैनिक और 3500 अंग्रेज जवान। उस दिन ऐसा लगा मानो ये गुरखा सैनिक अपना कफन साथ लेकर चले थे। अंग्रेजों ने इन पर गोला बारूद सब इस्तेमाल किया लेकिन हाथ में सिर्फ डबल बैरल पिस्टल और खुखरी लिए ये सैनिक इतने खूनखार थे इनकी एक सैनिक ने 10-10 अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा। भले ही ये युद्ध के अंत में अंग्रेजों की जीत हुई लेकिन गुरखा सैनिक की बहादुरी के वो कायल हो चुके थे। और यहां से शुरू होता है गुरखा रेजिमेंट का इतिहास। मलौन के युद्ध के तुरंत बाद गुरखा सैनिकों से प्रभावित होकर गुरखा रेजिमेंट की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1815 में की। मिलिट्री में ना सिर्फ लड़ना वर्सेस खुद को सस्टेन करना भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। तो एक लड़ना और सस्टेन कर पाना जो था अमर सिंह थापा की फौज का वो बहुत काबिल तारीफ था जिसको एक्नॉलेज किया ब्रिटिश ने। तो ये क्वालिटीज़ उन्होंने देखी कि देवर फार सुपीरियर इन दोज सोल्जरली क्वालिटीज़। तो जिससे फिर इट टर्न आउट टू बी द रेजिंग ऑफ फर्स्ट गुरखास जो है जिसको कि मलौन फोर्ट में ये जंग हुई थी, मलौन रेजिमेंट के नाम पर भी जाना जाता है। तो वहाँ से ब्रिटिश आर्मी में गुरखा सोल्जर्स का आना शुरुआत हुआ 24 अप्रैल 1815 जब ये अंडरस्टैंडिंग आपस में दोनों के लिए। एंड दैट ऑल्सो मार्क्स हिस्ट्री द बिगिनिंग ऑफ द गुरखा राइफल्स। ब्रिटिश जनरल सर डेविड ऑक्टलोनी जिन्होंने पहली गुरखा रेजिमेंट को खड़ा किया उन्होंने कहा था गुरखाओं में बहादुरी, हैरान और स्थिरता का अद्भुत संतुलन है। वो कभी मैदान में पीछे नहीं हटे
मौत से भयभीत नहीं हुए। Nobody is more fearless than a Gurkha with his kukri। और उस दौरान स्थापित की गई पहली बटालियन कहलाई नसरी बटालियन, जो आगे जाकर बनी एक गुरखा रेजिमेंट। सेकेंड नसरी बटालियन कुछ ही समय के लिए स्थापित थी और फिर डिसबैंड की गई, और फिर सरमौर बटालियन बनी तीन गुरखा रेजिमेंट जो आज ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा है। 1857 में तकरीबन जुलाई में कहीं अप्रूवल मिला एक और बटालियन रेज करने का, जिसको के नाम दिया गया एक्स्ट्रा गुरखा रेजिमेंट। तो 6 अगस्त 1857 को अब जो बटालियन है 14GR, जो कि उस वक्त 4GR या प्रिंस ऑफ वेल्स ओन गुरखा राइफल्स के नाम से रेज होगी, ये एक यूनिक बटालियन थी, क्योंकि एक पहली फुल फ्लेज्ड बटालियन थी जो कि गुरखा से, जो कि इंडियन आर्मी में शामिल हुई थी। गुरखा रेजिमेंट्स ने ब्रिटिशर्स के अधीन कई मिशंस में लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से ज्यादातर ब्रिटिश राज के विस्तार से जुड़े थे। गुरखा सिख वॉर, एंग्लो सिख वॉर, अफगान वॉर। जो मेन बटालियन का जो पहला इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑपरेशंस किए बटालियन ने, वो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अगस्त 1914 में एज पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स, दो थे ये ए और बी, हमारा जो था सिरिंद ब्रिगेड के अंडर में फर्स्ट हमारी रेजिमेंट, दैट इज उस वक्त रेजिमेंट बोलते थे क्योंकि एक ही बटालियन थी, और ये गई थी स्वेज एरिया में, दैट इज इन द एरिया ऑफ कैनाल के इलाके में। वहाँ से कुछ महीने के बाद पूरी ब्रिगेड जो सिरिंद ब्रिगेड थी उसको मूव किया गया फ्रांस में, मार्सेल्स में, और दिसंबर 14 से लेकर के तकरीबन मई जून 15 तक काफ़ी सारे ऑपरेशन उन्होंने हिस्सा ले लिया, और उनमें से जो ज़्यादा जरूरी है वो हैं गिवेंची, फेस्टोबर्ट, टाउनशपेल। और फिर आज़ादी के तुरंत बाद नेपाल और ब्रिटेन ने त्रिपक्षीय समझौता के तब तक स्थापित की गई तमाम रेजिमेंट्स का बंटवारा किया, जिसमें से 6 भारत की सेना में जुड़ी और एक आज़ादी के बाद बनाई गई। तो कुल मिलाकर आज भारतीय सेना में 7 गुरखा रेजिमेंट्स हैं, जिनमें से 1 गुरखा रेजिमेंट और 4 गुरखा रेजिमेंट दोनों ही हिमाचल प्रदेश के सभातू में स्थापित हैं, जो कि इनका रेजिमेंटल सेंटर है, और ये दोनों ही राइफल रेजिमेंट्स हैं। राइफल्स का अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो एक्चुअली इनिशियली आप पुरानी मूवीज़ में आपने देखा होगा मस्केट लोडेड गन्स होती थी, ऊपर से आप लोड करते थे एंड देन यूज टू फायर इट। सो देन दिस कॉन्सेप्ट केम ऑफ राइफल, कि राइफल्ड गन आने लगी, जिससे आप एक्यूरेसी ज़्यादा मिलती थी और आपका फायर ज़्यादा एक्यूरेट रहता था। सो देन देर वॉज अ कॉन्सेप्ट विच स्टार्टेड एंड दे यूज टू कॉल ग्रीन जैकेट्स, देर वॉज सॉर्ट ऑफ अ स्पेशल फोर्स दैट टाइम। राइफल रेजिमेंट दूसरी रेजिमेंट से अपनी चाल ढाल, पहनावे और तौर तरीकों से भी अलग होती है। पुराने जमाने में जब ब्रिटिश ट्रुप्स अलग अलग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उनके ड्रेस पूरा लाल ड्रेस होता था, जो कि लड़ाई में उनके हैवी कैजुअलिटीज होने लगे, और उनका बड़ा एक फिक्स्ड ड्रिल किस्म से कार्रवाई होता था। लेकिन वहाँ के ब्रिटिश ऑफिसर्स ने रियलाइज़ किया, कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स ने, कि ये गलत तरीका है, हमें लेस कलरफुल ड्रेस और बेटर ट्रुप से दुश्मन को पीछे अटैक करना चाहिए। इस दौरान में राइफल रेजिमेंट्स का शुरुआत हुआ। उस दौरान में राइफल रेजिमेंट्स के साथ ड्रेस बिल्कुल कलरफुल नहीं होता। अगर आप राइफल रेजिमेंट्स के बटन काले होते हैं, देयर इज़ नथिंग फ्लैशी इन देयर ड्रेस, जबकि सारी यूनिट्स की स्पीड 120 कदम पर मिनट के हिसाब से होता था, तो राइफल रेजिमेंट्स का 140 का स्पीड होता था, और ये गिवन सिचुएशन में 180 तक भी पर मिनट के हिसाब से भी। तो जो ट्रुप्स होते थे वो लाइट होते थे, वो कैमोफ्लैज्ड होते थे उस ज़माने के हिसाब से। उसके बाद उनके साथ जो राइफल्स हैं वो बेटर होते थे, और राइफल से कहीं ज़्यादा एक गुरखा सिपाही जाना जाता है अपनी खुखरी की वजह से, जो कि प्राचीन काल से गुरखा समुदाय का न सिर्फ हथियार है, बल्कि उनके अस्तित्व और अस्मिता का प्रतीक भी। खुखरी गुरखा योद्धाओं का एक जाति हथियार है। ये नेपाल के राजा दर्वेसवा द्वारा 1600 सदी में इसको आविष्कार किया गया था, जब
लड़ाई के मैदान में गोरखा योद्धा जाता है तो एक बार निकलने के बाद दुश्मन की खून से रंगे बगैर वापस नहीं रखा जाता। साथ ही ये किसो सदी में हमारा पास अनेक प्रकार के अत्याधुनिक हथियार हैं, लेकिन लड़ाई के मैदान में फुकुरी न हो तो हथियार की कमी का महसूस होता है। और कुछ एक धार्मिक धारणा भी है कि ये फुकुरी तीन देवता का प्रतीक होता है, ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, साथ ही विष्णु संरक्षण करता है, और अपनी सुरक्षा और दुश्मन को बर्बाद करने के लिए शिव भगवान का हमेशा आशीर्वाद रहता है। और आज ये खुकरी एक गोरखा रेजिमेंट और चार गोरखा रेजिमेंट का इंसिग्निया यानी पहचान चिन्ह भी है। और गोरखास का बड़ा यूनिक है, अगर आप डिजाइन खुकरीज का देखें, बेसिकली दे क्रॉसिंग ईच अदर, कोई ऐसे है, कोई थोड़े ज्यादा एंगल है, कोई थोड़ा सीधा है, तो लेकिन खुकरीज इस तरह से क्लोज है। बट 4GR आपने नोटिस किया होगा, खुकरी एक ही दिशा में है दोनों। खुकरी का दो अगर आप एंगल देखें 4GR क्रेस्ट में, एक ऐसे है और एक यूं है। टू एक्सप्लेन द डायरेक्शन इन विच इट इज अलाइंड, पहला है कि जब आप वार करते समय जो एंगल होता है, ऐसे आपने खुकरी पकड़ी है तो वो एंगल पहला है, और जब आप वार फिनिश कर चुके होते हो वो दूसरा एंगल है। और इनकी इस खुकरी ने कई दुश्मनों का खात्मा कर देश की सुरक्षा की है। आज इन दोनों ही रेजिमेंट्स के नाम कई वीरता पुरस्कार हैं। एक गोरखा रेजिमेंट के नाम है एक परमवीर चक्र, एक अशोक चक्र, 6 महावीर चक्र और 16 वीर चक्र। 4 गोरखा रेजिमेंट के नाम है 4 महावीर चक्र, 16 वीर चक्र, 11 शौर्य चक्र और 6 सेना मेडल। गोरखास पूरे दुनिया में दे आर रेटेड अमंग दी वन ऑफ दी फाइनेस्ट ट्रूप्स, तो ऑटोमेटिकली जब भी आगे दुश्मन को पता लगता है, चाहे वो अभी हो जर्मन ट्रूप्स के अगेंस्ट हो, इटालियन ट्रूप्स के अगेंस्ट हो, या अरब ट्रूप्स के अगेंस्ट, या जापनीज, या अभी इंडिया और पाकिस्तान ट्रूप्स के अगेंस्ट हो, तो वहाँ जैसे लोगों को पता लगता है कि गोरखा ट्रूप्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दुश्मन का मनोबल थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ये माना जाता है कि गोरखा ट्रूप्स अगर उस इलाके में हैं तो दुश्मन को अपना ख्याल रखना पड़ेगा। और जब ये गोरखा सैनिक अपनी युद्ध घोष की दहाड़ के साथ मैदान जंग में उतरता है तो दुश्मन की रूह कांप जाती है। गोरखास का वार क्राई है, दैट इज आयो गोरखाली, इसका ये मतलब होता है कि अगर लड़ाई के दौरान में या कहीं भी मिशन में आप जाते हो तो एक अंदर से अपने आप को जोश पैदा करने के लिए और एक अंदर से शक्ति पैदा करने के लिए जनरली गोरखा इसको एक वार क्राई के तौर पर लेते हैं, आयो गोरखाली। और इससे क्या होता है कि जब गोरखे के हाथ में चमकता हुआ खुकरी और गरजते हुए ये आवाज़ निकालते हैं तो जो सामने वाला दुश्मन है वो जनरली वहाँ से भाग जाते हैं। और गोरखाओं की सैन्य शक्ति और बहादुरी का इससे ज्यादा अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्रिटिश रॉयल आर्मी में आज तक एक गोरखा रेजिमेंट कायम है और ब्रिटिश आर्मी बड़े फख्र से इनको अपना मानती है। गोरखा सैनिक का खौफ दूर दूर तक फैला है, जहां जहां ये कमीशन रहे वहां वहां अपने शौर्य की दास्तां छोड़कर आए, और यही कहानियां बताती हैं आखिर क्या खूबियां हैं इस गोरखा सैनिक की। एक सोल्जर बनने की जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सारी एक गोरखा ट्रूप में भरी पड़ी है। सबसे पहले आप चाहते हो ब्रेवरी, ब्रेवरी की बहुत मिसालें हैं एक गोरखा जवान की। फिजिकल फिटनेस, क्योंकि अभी उनके रीजन इतना टफ है जहाँ से वो आते हैं, और उनके अगर आप नोटिस करें बड़ी मस्कुलर बॉडी होती है उनकी, लेग्स काव्स अगर आप नोटिस करो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो करेज, फिजिकल स्ट्रेंथ, देन सिंप्लिसिटी ऑफ लाइफस्टाइल, और ये जब चीज़ें मिल जाती हैं तो मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा एक इंग्रेडिएंट है टू मेक ए
अ ग्रेट सोल्जर। फिर क्या है कि ही इज ऑलवेज हैप्पी, मतलब चाहे कैसा भी सर्कमस्टांसेस आए खुश है। एक गुरखा सैनिक मौत से नहीं डरता, जैसे लांस नायक धन बहादुर पांग, जो कि 1971 में पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर मौजूद चबुकरा पर लड़ रहे थे। बेहद खूनी लड़ाई के बाद जब इनके साथी इन्हें ढूंढते हुए पहुंचे तो देखा लांस नायक धन बहादुर पांग बुरी तरह जख्मी थे और उनके दोनों पैर बारूद से उड़ चुके थे, लेकिन वो शांति से बैठे सिगरेट के कश को ले रहे थे और बड़े ही स्वाभाविक और सरल तरीके में उन्होंने अपने साथियों से पूछा कि क्यों पोस्ट हो गई ना कैप्चर, बाकी बटालियन ठीक है ना। जिंदा दिली और बहादुरी के ऐसे कई किस्से हैं जो जहां गुरखा सैनिकों की बहादुरी का जिक्र तो होता ही है, साथ ही उनकी वफादारी की भी बात की जाती है। नायक नाकम गुरुंग अपने में एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी जो कहानी है ये हमें दो चीज को बारे में बहुत अच्छे से दर्शाती है। पहला चार्ल्स डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और दूसरी चीज़ हमें इंस्पायर करती है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो नायक नाकम गुरुंग 2nd बटालियन 1st गोरखा राइफल में एनरोल हुए थे, ये बात है 1927 की, ये चार्ली कंपनी में आए और अपनी ट्रेनिंग के दौरान पलटन के दौरान इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन उसी दौरान वापस लौटते समय उन्हें मलेरिया हो गया, जिसकी कमजोरी के चलते वो यूनिट के साथ चल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें 3 महीने के राशन के साथ छोड़ा गया, इस भरोसे और ऑर्डर के साथ कि जल्द ही भारतीय टुकड़ी उन्हें वहां से वापस ले जाएगी, क्योंकि दुश्मन की सीमा से अकेले निकलना उनके अकेले के लिए मुश्किल होगा। हवलदार नाकम गुरुंग इस ऑर्डर का पालन करते हुए वहां इंतजार में रुके और हिले नहीं। हफ्ते बने महीने, महीने बने साल, और हुक्म का पालन कर रहे नाकम गुरुंग वहां से हिले नहीं, और 7 साल गुजर गए। इन 7 साल के दौरान भी नायक नाकम गुरुंग ने अपने लिए खुद एक झोपड़ी, अपने लिए रहने का आवास, अपने लिए खाने पीने के लिए उन्होंने हंटिंग शुरू करी, ट्रैप्स बनाए। वो पूरा उसी स्थिति में ढल गए थे कि 7 साल बाद फिर उसी जगह में एक जीआर की पलटन की टोली वहाँ से पेट्रोल कर रही थी। तो उस जंगल से जब वो पेट्रोल करते हुए गए तो उन्होंने देखा कि ये कौन एक अलग सा बंदा है, पर जब नायक नाकम गुरुंग ने देखा कि ये तो मेरे जैसे ही बंदे, मेरे ही गोरखाली ट्रुप हैं, तो उन्होंने गोरखाली में बात करी। जब उन्होंने गोरखाली में बात करी जो दूसरी टोली थी जो पेट्रोल जिनकी घूम रही थी, उनको भी लगा कि ये तो गोरखाली वाला बंदा है, हमारा बंदा है। और जब आगे खोज हुई तो पता लगा ये 7 साल पुराने जिनको इस जंगल में छोड़ा गया था, और वो आज तक इस परिस्थिति में अपने आप को संभाल पाए और अभी तक अपने आप को जीवित रखा। और इस तरीके से नायक नाकम गुरुंग ने 7 साल की जो अपनी जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग थी उस पर काफ़ी मेहनत करते हुए ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन किया और एक फौजी की तरह अपने आप को इस परिस्थिति में भी कायम रखा। एक गुरखा सैनिक होता है कर्तव्यनिष्ठा, जैसे हवलदार मनीलाल तमंग, जो कि सियाचिन की बर्फीली सर्द पहाड़ियों में अपनी यूनिट के साथ थे जब उनके पोस्ट कमांडर कैप्टन एस बहल को दुश्मन की शेलिंग में घायल हो गए। खराब मौसम के चलते उन्हें एयरलिफ्ट भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन मनीलाल तमंग अपने कमांडर के प्रति बेहद समर्पित थे और उन्हें इस हालत में देख नहीं पा रहे थे। जो बाना पोस्ट है वो 1500 मीटर स्ट्रेट वर्टिकल क्लाइम है अपने नेक्स्ट पोस्ट से, तो उन्होंने जब आर्टी शेलिंग बंद हुआ तो उस दौरान में उन्हें अपने पीठ पे लाद कर पूरा अकेले ऊपर से नीचे जो 1500 मीटर है वो लेके आए थे। हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ आदमी को अकेले चलना मुश्किल है, उसमें मनीलाल तमंग ने ऑफिसर को रेस्क्यू किया बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एंड पूरा लेके आए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो एक गुरखा सैनिक कर्तव्यनिष्ठा, सच्चा, ईमानदार और भरोसे वाला तो है ही, लेकिन उसकी बहादुरी सर्वोपरि है और इस वीरता और साहस की अभूतपूर्व मिसाल थे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ओरिजिनली 23 जीआर के थे। जब 21 दिसंबर 1959 पे 31 जीआर रेज हुआ तो उन्होंने पलटन को ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद
इमीडिएटली यूएन मिशन में कांगो में 3-1-GR गई थी। उस दौरान में जो रेबल फौज थी काटांगा में, तो उनके अगेंस्ट यूएन ने ऑपरेशन शुरू कर रहे थे इन द मंथ ऑफ दिसंबर 1961। हाउएवर रेबल्स को इसकी भनक लग गई और उन्होंने यूएन की जो हेडक्वार्टर है एट काटांगा एट एलिजाबेथ वैली और एयरपोर्ट के बीच में उन्होंने एक रोड ब्लॉक लगा लिया। एक मेजर रोड जंक्शन था जिस पे उन्होंने रोड ब्लॉक लगा लिया। लेकिन रेबल्स एक थर्ड लोकेशन में भी थे जिसने फायर ओपन नहीं किया। नाउ कैप्टन सलारिया जो थे वो एयरपोर्ट के सामने एक रेफ्यूजी कैंप था, वहाँ पे एक प्लटून के साथ, अल्फा कंपनी की एक प्लटून के साथ वहाँ पे डिप्लॉयड थे। तो उनको जो टास्क मिला था कि दूसरे डायरेक्शन से आना है और उन्होंने रेबल्स को कट ऑफ करना है, ताकि जब मेन फौज का अटैक रोड ब्लॉक पे लगे तो जो फौज वहाँ से भागे उसको एंगेज करने की। 3/1 गुरखा राइफल्स को इस रोड ब्लॉक को हटाने का आदेश दिया गया और इस ऑपरेशन के लिए जो मुख्य फौज थी वो गुरखाओं और आयरिश आर्मी की एक यूनिट से बनी थी। लेकिन जब वो ऑब्जेक्टिव के सामने पहुंचे तो उन पर जबरदस्त गोलाबारी हुई और उन्हें ये तुरंत समझ आया कि यहाँ तकरीबन 90 विद्रोही और 2 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यानी APC मौजूद थे। उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया था कि अगर इस फौज को यहाँ नहीं रोका गया तो ये आगे हो रही बड़ी लड़ाई पर भारी पड़ेगी। तो इन्होंने सपोर्टिंग फायर का अरेंजमेंट किया उन आर्मर्ड कारों से। आर्मर्ड कार्स ने उनको सपोर्टिंग फायर देना शुरू कर दिया और इन्होंने उनके ऊपर हमला बोल आयो गोरखा लीग एंड ऑल दैट एंड दे बेनिटेड एवरीबॉडी किल्ड एवरीबॉडी एंड एज हूसोएवर केम इन फ्रंट ऑफ देम दे प्रोसीडेड लाइक दैट। The enemy was so surprised. Enemy would not know how many troops are attacking, and he'll hardly expect to be 16 आदमी जो 90 आदमी के ऊपर हमला करते हैं। जो ये फौज थी इसमें rebel फौज plus जो mercenaries थे Belgian army के European mercenaries, इसका mix फौज था। So ये कोई आपके 90 ये छोटी मोटी फौज नहीं थी, ये वेल ट्रेन्ड वेल आर्म्ड एंड तगड़े तादाद में फौज थी। लेकिन इन्होंने एक गुरखा का असॉल्ट एंड लेड बाय सच अ स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस ऑफिसर ये इन्होंने देखा नहीं था। और इस तरह कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया अपनी छोटी लेकिन बेहद बहादुर यूनिट के साथ दुश्मन की इस फौज को आगे बढ़ने से रोक पाई, जिसके चलते आगे चल रहा मुख्य ऑपरेशन प्रभावित नहीं हुआ और यूएन की फौज को रास्ता मिला। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान कैप्टन सलारिया को गले पर गोली लगी जो कि जानलेवा साबित हुई और वो शहीद हुए। लेकिन उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनकी इस शहादत को सर आंखों पर रखकर कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वो पहले ऐसे अफसर थे जिन्हें यह सम्मान भारत की सरहद के पार किसी फॉरेन ऑपरेशन में मिला। और कांगो में ही यूएन के ऑपरेशन में 2 और गुरखाली सैनिकों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और उन्हें भी सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से नवाजा गया, नायक एम थापा और लांस नायक रान बहादुर पुरंग, दोनों ही मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। गुरखा रेजिमेंट का इतिहास शौर्य वीरता और बलिदान की कहानियों से गौरवान्वित है। सीमा सुरक्षा मिशंस में गुरखा रेजिमेंट हमेशा आगे रही और खासकर सियाचिन ग्लेशियर के दुर्गम इलाके में। ऑपरेशन मेघदूत भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जे के लिए भारतीय सेना के ऑपरेशन के कोड का नाम था। पाकिस्तानी फौज यहां कई पहाड़ों पर पहुंच चुकी थी। 13 अप्रैल 1974 को शुरू किया गया यह सैन्य अभियान अनोखा था क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र में पहली बार हमला शुरू किया गया था और इस इलाके के बेला फोंडला कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे मेजर कृष्णा गोपाल चैटर्जी।
18 सितंबर 1987 को मेजर केजी चटर्जी इंडक्ट हुए सियाचिन में। बिला फोंडला में उन्होंने डिफेंसेस लेने थे चार्ली कंपनी एज अ चार्ली कंपनी कमांडर। बिला फोंडला कॉम्प्लेक्स एट अराउंड 5,579 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर स्थित है। तो आते ही बटालियन का स्वागत हुआ पाकिस्तान की ओर से हैवी शेलिंग द्वारा। 23 और 24 सितंबर की नाइट को फिर से हैवी शेलिंग हुई पाकिस्तान की ओर से, हालांकि उसमें कोई खास इंजरी नहीं हुई। बट 24 और 25 की रात को 6 बजे शाम को 6:30 बजे के आसपास पाकिस्तान की ओर से एक बटालियन साइज अटैक चार्ली कंपनी के ऊपर आया, अशोक पोस्ट के ऊपर जो कि बिला फोंडला का हिस्सा है। इस दौरान काफ़ी हैवी शेलिंग हुई, लेकिन मेजर केजी चटर्जी ने इनिशिएटिव दिखाते हुए अपना जो आर्टी फायर था वो दुश्मन के ऊपर डायरेक्ट किया और दुश्मन के अटैक को विफल किया। लेकिन इस दौरान उन्हें गहरी चोटें भी लगी जिसके चलते उन्हें लौटने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इवैक्यूएशन से साफ इनकार कर दिया। एक जो प्लाटून होती है, जब ऑन ग्राउंड जो लोग वहाँ खड़े होते हैं वो पूरी स्ट्रेंथ में नहीं होते, बिकॉज कोई छुट्टी पर है, कोई कहीं है। तो इस दौरान एक प्लाटून के ऊपर एक बटालियन का स्ट्रेंथ आना इज लाइक 1:9 का रेशियो, कि एक बंदे के ऊपर 9 लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। फिर भी जब एक कमांडर इस स्थिति में खड़ा है तो उसका उसके जो जवान हैं वो अपने कमांडर का साथ हमेशा देते हैं। इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं लांस हवलदार नर बहादुर आले की तरफ से। ये एक MMG डेट कमांडर थे। लांस हवलदार नर बहादुर आले मीडियम मशीन गन यूनिट कमांडर थे और लगातार दुश्मन पर वार कर रहे थे, लेकिन दुश्मन की फायरिंग में इनके दोनों साथी जख्मी हुए और इन्होंने अकेले ही मीडियम मशीन गन को उसके ट्राईपॉड से उठाकर फायरिंग शुरू की। मीडियम मशीन गन यूनिट के अगर ट्राईपॉड यानी जिस पर इस मशीन गन को रखकर फायर किया जाता है उसे अगर हटा दिया जाए तो इस बंदूक का वजन होता है तकरीबन 18 किलो। ये कहना जितना ही आसान है करना ही उतना ही मुश्किल, क्योंकि जब आप समझ सकते हैं कि एक हथियार के ऊपर 3 लोग हैं और जब वो बंदा अकेले उसको इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए कितनी धैर्य, कितनी शक्ति और कितने साहस की ज़रूरत पड़ती है। खास करें जब आप देख रहे हैं कि आपके ऊपर 9 लोग, अगर नॉर्मल में भी देखें 9 लोग आपके ऊपर आ रहे हैं और आप किस तरह का धैर्य और साहस दिखाते हैं। लेकिन लांस हवलदार आले ने बिना रुके हुए दुश्मन पर अंधाधुंध फायरिंग की और किसी को कॉम्प्लेक्स के 50 मीटर के दायरे में आने नहीं दिया और अंत में वो वीर गति को प्राप्त हुए। मेजर कृष्णा गोपाल चैटर्जी को अपनी नेतृत्व क्षमता और बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और वहीं दूसरी ओर अंत तक मैदान जंग में लड़ने और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए लांस हवलदार नर बहादुर आले को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इसी सियाचिन ऑपरेशन से जुड़ा है नाम 4 गुरखा राइफल्स के नायक प्रेम बहादुर गुरंग का। इनकी कंपनी इसी बिला फोंडला कॉम्प्लेक्स के दूसरे छोर पर थी। नायक गुरंग यहां सेक्शन 2IC के तौर पर यहां थे। एज अ सेक्शन 2IC काम होता है आपका कि अपने आप सेक्शन में एम्युनिशन की कमी महसूस ना होने दें। पूरे शेलिंग के दौरान और अटैक के दौरान इन्होंने इंश्योर किया कि सभी जगह एम्युनिशन पहुंचे, साथ ही साथ इन्होंने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाए रखा। और एक समय ऐसा आया जब दुश्मन जब काफ़ी नज़दीक आ गए तो देखने वाले कहते हैं इन्होंने 4 पाकिस्तानियों के ऊपर अपनी खुखरी से हमला कर दिया, क्योंकि एम्युनिशन पूरा ख़त्म हो चुका था और उन 4 में से इन्होंने 3 को वहीं पर ढेर कर दिया। हालांकि इस गुत्थम गुत्थे की लड़ाई में वो खुद भी शहीद हो गए और उनको भी अंत में मरणोपरांत महावीर चक्र से पुरस्कृत किया गया। इसके साथ ही इस यूनिट को मिले 3 महावीर चक्र के साथ ही 5 वीर चक्र, 7 सेना मेडल, 5 मेंशन इन डिस्पैचेस, 4 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिकमेंडेशंस भी, जो कि एक रात के ऑपरेशन में किसी भी यूनिट को मिले सैन्य पुरस्कार का रिकॉर्ड है। ऑपरेशन मेघदूत के जैसा ही महत्वपूर्ण था ऑपरेशन कैक्टस लिली, जो कि कोड नेम था 1971 के बांग्लादेश के निर्माण के मिशन का। पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर एक नए राष्ट्र का निर्माण कर रही थी और इसमें उनकी मदद कर रही थी भारतीय रेजिमेंट्स। यहां भी 1 गोरखा राइफल्स के नाम रहे 3 महावीर चक्र।
मेजर जनरल वेणुगोपाल BVSM MBC, राइफलमैन पतिराम गुरंग MBC, हवलदार वीर बहादुर पान MBC। और ये है सबाथू। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में बसा ये कंटोनमेंट शहर आज एक गुरखा राइफल्स और चार गुरखा राइफल रेजिमेंट्स का रेजिमेंटल सेंटर है, जहां ये गुरखा सैनिक रिक्रूट और ट्रेन किए जाते हैं। सुबाथू का पहला नाम आया जब फर्स्ट एंग्लो गुरखा वॉर के दौरान में, जो ये सुबाथू से लेकर ये पूरे रिज पर महाराजा अमर सिंह ने अलग अलग पोस्ट बनाए थे। उस समय सुबाथू भी उनका एक पोस्ट हुआ करता था और आगे जाके फोर्ट ऑफ मलॉन में उन्होंने अपना मेन गढ़ बनाया था। तो जब लड़ाई ख़त्म हुई तो ब्रिटिशर्स को ये जगह पसंद आई और उन्होंने अपना एक कैंटोनमेंट यहाँ पे बना लिया, जिसके अंदर उनकी पहले एक इन्फेंट्री बटालियन यहाँ पे रहती थी। उसके लिए उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए बिल्डिंग्स वगैरह बनाई। सुबाथू इसलिए भी फेमस है क्योंकि पहले के टाइम में, यानी कि आज़ादी से पहले, ये शिमला के मेन जो ट्रैक जाता था चंडीगढ़ टू शिमला, उसके रास्ते पे सुबाथू पड़ता था। यानी कि वो रास्ता पहले शिमला कालका कसौली से होते हुए सुबाथू आता था और उसके बाद शिमला जाता था, क्योंकि शिमला समर कैपिटल था। जो भी वाइस रिगल दिल्ली से चलते थे तो सुबाथू में उनका एक हॉल्ट होता था। और आज भी इसलिए यहाँ पे वाइस रिगल लॉज भी बना हुआ है, जो आज भी आप देख सकते हैं। वो एक बड़ी खूबसूरत इमारत है जो कसौली जितनी हाइट पे बनी हुई है, और वहाँ पे वो आके चंद दिनों के लिए ठहरते थे और अपना दरबार लगाते थे। और रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद ये तमाम ऐतिहासिक इमारतें हर रिक्रूट को किसी पुरानी कहानी से जोड़ती है और साथ ही आधुनिक से आधुनिक ट्रेनिंग मुहैया कराती है। सुबाथू हमारा जो सेंटर है दो हिस्से में बटा हुआ है, इफ़ यू सी लैंड पॉकेट्स जो हमारे पास हैं। तो यहाँ पर रिक्रूट कंपनियाँ हेडक्वार्टर आदि यहाँ पे लोकेटेड है सुबाथू में, जहाँ की हमारे पास करीब 140 एकड़ ज़मीन है यहाँ पर आर्मी लैंड कैटेगरी की जो है, और इतनी ज़मीन यहाँ पर जहाँ पर हमारी लॉन्ग रेंज है वहाँ पर है। तो इतनी अच्छा खुला ट्रेनिंग एरिया, और आपने ये भी देखा होगा कि हम थोड़ा सिक्लूडेड हैं, बाकी हमारे सेंटर जो हैं वो पॉपुलेशन सेंटर्स के बीच में आ गए हैं, तो आपको ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस हैं। फायरिंग करनी हो तो आप अनेक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती हैं। तो हमारे पास अनहिंडर्ड फैसिलिटी है, दो फायरिंग रेंजेस हैं हमारे पास, तो अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए ये एक काफ़ी अच्छी मैं कहूँगा कि जगह है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर हमारे पास हर एक फैसिलिटी जो एक रिक्रूट को ट्रेनिंग के लिए होनी चाहिए। और फिर एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ जो कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ट्रेनिंग के साथ साथ, तो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हमारे को यहाँ अवेलेबल हैं। गुरखा रेजिमेंट में आने वाले जवान अमूमन इन पहाड़ी इलाकों से ही हैं। जो इंडियन आर्मी में गुरखास का रिक्रूटमेंट है वो प्राइमरली नेपाल, उत्तराखंड में देहरादून एरियाज ऑफ पिथौरागढ़, फिर धर्मशाला हिमाचल एंड नाहान दीज एरियाज, एज वेल एज असम मणिपुर, यहाँ भी गुरखा सेटलमेंट्स हैं, एंड दार्जिलिंग सिलीगुड़ी सिक्किम, दीज आर द बेल्ट्स फ्रॉम वेयर वी गेट आर गुरखास। ऑल्सो वी हैव गुरखास इन जम्मू हु सेटल डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, एंड दीज आर द प्लेसेस वेयर वी गेट गुरखास फ्रॉम। और फिर शुरू होती है इनकी ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग सेंटर में जो हर विभिन्न मीन्स प्रांतों से आते हैं, जैसे नेपाल से आते हैं, ये इंडियन नौशाल जो गुरखेज आते हैं, इनको हम बेसिकली यहाँ पे बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग, ये दो ट्रेनिंग कराते हैं, जिसके अंदर हम इनको चार फेज में बांटते हैं। फर्स्ट फेज हम इनको प्री बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, सेकेंड फेज में हम इनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, और थर्ड फेज में हम इनको एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग,
और जैसे ये लोग पास आउट होते हैं तो हम इनको फिर प्रेजेंटली जो अभी शेयर इन्वायरमेंट है उसको मद्देनजर रखते हुए शेयर एक्सपोजर देते दो हफ्ते के लिए। फिजिकल फिटनेस, स्टैमिना ट्रेनिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फायरिंग प्रैक्टिस, नेविगेशन ट्रेनिंग वगैरह तो हर रेजिमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन उससे जाकर जो खास ट्रेनिंग एक गुरखा सैनिक को मिलती है वो है खुखरी ट्रेनिंग। खास बात इस खुखरी की ये है कि इट्स ए मल्टी वेपन। ये ओपनर का काम भी करता है, एक किसी को काटने का काम भी करता है, ये जंगल क्लियरेंस में काम करता है, जंगल सर्वाइवल स्किल्स के लिए काम आता है, एज एन स्क्रू ड्राइवर काम करता है। ये मल्टी फेसेट एक हथियार है। मेन जो इसका प्राइमरी जो काम है वो है गुत्थम गुत्था की लड़ाई के दौरान इस्तेमाल में आना। किसी भी लड़ाई के दौरान गुत्थम गुत्थे की लड़ाई शुरू होती है लास्ट 100 मीटर्स में, 80-100 मीटर्स के फासले में, जब एनिमी 100 मीटर की डिस्टेंस में खड़ा होता है। उस समय जो हमारा पर्सनल वेपन होता है, जो हम इंसास राइफल बोलें या कोई भी हथियार एक जवान लेके जा रहा है, उसकी मारक क्षमता कम हो जाती है और उस समय जो लास्ट 100 मीटर लास्ट 80 मीटर का जो जोश है, उस जोश के दौरान जो एक ट्रुप एक गोरखा सोल्जर इस्तेमाल करता है वो अपनी खुखरी का इस्तेमाल करता है। कट, 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 कट। तो एक क्लोज क्वार्टर लड़ाई के दौरान खुखरी का इस्तेमाल होता है और रेजिमेंट सेंटर में गोरखा समुदाय के इस जातीय हथियार को मार्शल ट्रेनिंग में कैसे इस्तेमाल किया जाए वो सिखाया जाता है और खुखरी से जुड़ी कई रोमांचक कहानियां हैं। About 2500 years पहले ग्रीक्स वर यूजिंग अ स्वॉर्ड कॉल्ड कूपी, जो बड़ा सिमिलर है अपने खुखरी से, सेम कर्व है, तो उस टाइप का खुखरी वो यूज़ करे थे। जब अलेक्जेंडर की आर्मी जब इंडिया आई तो उस दौरान में इसके डिज़ाइंस जो राजपूत प्रिंसेस हैं उन्होंने कॉपी किया और उस दौरान में ये डिज़ाइंस जो हैं हमारे जो दामी कम्युनिटी है उन्होंने नेपाल में इसे सीखा और उन्होंने इसको बनाना शुरू किया। खुखरी कई आकार में देखी जा सकती है। 8 इंच से इसकी शुरुआत होती है और फिर 10 इंच 12 इंच से आगे। इसकी चौड़ाई और इसका वजन, इसको किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उसके हिसाब से बढ़ता है। खुखरी के साथ अगर आप ध्यान दें तो अगर आप अपने जब खुखरी को उसके कबर्ड में डालते हैं तो उसके साथ एक दो छोटी खुखरियां भी उसके साथ लगी होती हैं। इन दो छोटी खुखरी को हम चकमक कहते हैं। ये चकमक का मेन काम ये होता है कि लड़ाई के दौरान हमारे पास ऐसी मशीन नहीं होती है कि जिससे हम खुखरी को धार दे सकें, तो इन विषम परिस्थितियों में इन चकमक का इस्तेमाल करके उसे शार्पन किया जाता है, उसे तेज धार दिया जाता है कि आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी कभी भी परिस्थिति आए तो इस खुखरी का इस्तेमाल करके वो दुश्मन के ऊपर अपना काबू कर सके। खुखरी के बारे में प्रचलित सैन्य धारणा ये है कि अगर किसी जवान की खुखरी बाहर निकलेगी तो वो खून किए बिना अंदर नहीं जाएगी और इसकी बनावट कुछ इस तरह से है कि वार करने के बाद सामने वाला का बहा खून हाथ में नहीं लगता बल्कि नीचे बने नॉच में चला जाता है और ज्यादातर युद्ध में खुखरी को भी इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि इनके पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल हर ऑपरेशन में बखूबी किया है। प्री इंडिपेंडेंस में द ग्रेट वॉर में तो गुरखास को बोला गया कि भाई आप यहाँ पे अटैक करके आओ, तो आए उन्होंने, उनसे रिपोर्ट लिया गया भाई कि क्या रिपोर्ट है। उन्होंने बोला साहब 10 दुश्मन थे, 10 दुश्मन मार लिए और ऑपरेशन सक्सेसफुल। जो ऑफिसर थे ब्रिटिश ऑफिसर, उन्होंने पूछा एम्युनिशन कितना खर्च हुआ, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन में कोई एम्युनिशन खर्च नहीं हुआ। तो जब पूछा गया भाई ऑपरेशन में एम्युनिशन नहीं खर्च हुआ तो आपने दुश्मन कैसे मारा, तो जो गुरखा सोल्जर्स हैं उन्हें हंसते हुए बोला साहब हमने अपने खुखरी से दुश्मन को मार दिया। तो ये एक जो गुरखा सोल्जर्स हैं उसका स्किल ऑफ यूजिंग खुखरी ये इसको बताता है। और आज रेजिमेंट की ट्रेनिंग में ये खुखरी डांस बेहद मशहूर है और गुरखा जवान की खुखरी और उसके युद्ध घोष के आगे अच्छी सेनाएं कमजोर पड़ जाती हैं। भारतीय सेना की हर रेजिमेंट में
खेल पर खासा ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये न सिर्फ शारीरिक अभ्यास और मनोरंजन का जरिया है बल्कि टीम भावना और अनुशासन से जवानों को बांध कर रखता है। गोरखा राइफल रेजिमेंट्स में भी कई खिलाड़ी हैं, लेकिन जिस खिलाड़ी ने इन्हें सबसे ज्यादा फक्र महसूस करवाया है वो थे हेमू अधिकारी। कर्नल रामचंद्र हेमचंद अधिकारी, जिन्हें कर्नल हेमू अधिकारी भी कहा जाता है, इन्होंने 1962 में फर्स्ट बटालियन फर्स्ट गोरखा राइफल ज्वाइन करी और इस दौरान पल्टन काफ़ी डिफरेंट लोकेशन में गई और पल्टन के साथ उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। एक फौजी होने के सिवाय वो एक नेशनल लेवल के क्रिकेटर भी थे। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1937 में खेला, 37-38 में, और 58-59 के दौरान इन्होंने इंडियन टेस्ट टीम को कैप्टनसी भी संभाली। इनकी 109 रन की 9th विकेट की पार्टनरशिप गुलाम अहमद के साथ हुई थी, जो कि इंडियन हिस्ट्री के रिकॉर्ड में, इंडियन क्रिकेट के रिकॉर्ड में आज भी गिना जाता है। कैप्टन हेमू अधिकारी ने फिर आगे जाकर भारतीय क्रिकेट टीम को कोच भी किया। इनके अलावा जो और प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस रेजिमेंट ने देश को दिए वो है माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले सुबेदार तिल विक्रम बुद्ध टॉकी, शौर्य चक्र 2005 कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले हवलदार सुशी खले, 2006 में विंटर ओलंपिक्स में पहली बार स्कीइंग में भाग लेने वाले सर्विसमैन हवलदार गुप्ता बहादुर गुरंग, कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग में 2 गोल्ड मेडल्स जीतने वाले सुबेदार पेमा तमंग। गुरखा सैनिक खेल के अलावा अपनी आस्था और भक्ति में भी काफी लीन रहते हैं और रेजिमेंटल सेंटर में मौजूद इनकी कुल देवी माँ दुर्गा का मंदिर इनके लिए एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। हम रूटीन मंदिर में पूजा की व्यवस्था जो है, पुजारी जी ना सिर्फ मंदिर में पूजा करते हैं और ग्रुप कंपनी में विजिट भी करते हैं, पंडित जी फीडबैक लेते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान जो है उनके साथ शेयर करते हैं, तो जो एक मंदिर की प्रथा जो है मायने रखती है एक सोल्जर की लाइफ में, और इसको जितना स्ट्रेंथन किया जाए मेरे हिसाब से वो अच्छा है, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी और सोल्जरिंग जो है आपस में काफ़ी इनका गहरा नाता है। बोलो सच्चे दरबार की। इस मंदिर में गुरखा अपनी खोखरी की भी पूजा करते हैं और मिशन पर जाने से पहले नतमस्तक होते हैं। गोरखा रेजिमेंट की पहचान उनकी खोखरी के अलावा उनके सर के पहनावे से भी है। जब पहली बार गोरखा यूनिट्स का जन्म हुआ, जो फर्स्ट एंग्लो गोरखा वॉर में, जिसमें महाराजा अमर सिंह गोरखा आर्मी का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय गोरखा हैट का चलन नहीं था। उस समय लोग अपने सर पर पगड़ी बांध के लड़ाई के मैदान में जाते थे, क्योंकि पगड़ी एक बहुत ही सम्मान का चिन्ह था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे गोरखा यूनिट्स ब्रिटिश आर्मी के अंडर में आई तो हैट का चलन हुआ। अब हैट के अंदर पगड़ी का भी मान रखने के लिए उन्होंने हैट के ऊपर पगड़ी के रूप में अपनी रैंक के हिसाब से पट्टियां लगाने का ट्रेडिशन शुरू हुआ। अब उसके अंदर एक ऑफिसर की अगर आप देखेंगे हैट के अंदर 9 पट्टियां होती हैं, एक जेसीओ की 7 और एक एनसीओ की 5। तो पगड़ी को सम्मान देने के लिए और उसको गोरखा हैट के अंदर मिलाने के लिए आज भी वो ट्रेडिशन हमारे यहाँ कायम है। गोरखा रेजिमेंट की एक और खासियत है, जब कोई ऑफिसर यहाँ रिक्रूट होकर आता है तो उसके लिए ये बेहद जरूरी माना जाता है कि वो अपने ट्रूप्स को समझे और ज्यादा बेहतर तरीके से उनसे जुड़े, जिसके लिए यहाँ कई प्रयत्न किए जाते हैं। चाहे वो ऑफिसर पंजाब से हो, हरियाणा से हो, नीचे तमिलनाडु से हो या बंगाल से हो, चाहे वो किसी भी प्रांत से आए हो, पर एक गोरखा यूनिट में आने के बाद उसे गोरखा ट्रूप्स के कस्टम एंड ट्रेडिशंस, उसकी भाषा और यहाँ तक कि उसके ट्रेडिशनल डांसेस और सॉन्ग्स भी उसे सीखने पड़ते हैं और फॉर्मली उनको सिखाए भी जाते हैं। इसमें भाषा का बहुत महत्व है। एक ऑफिसर मैन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन होता है, चाहे वो पासिंग ऑफ ऑर्डर्स हो, इनफॉर्मल फॉर्मल कन्वर्सेशन हो, वो सब सिर्फ और सिर्फ गोरखाली में होता है। और ये ट्रेडिशन अभी शुरू नहीं हुआ है, ये जब से गोरखा रेजिमेंट रेज हुई है 1815 से, ये ब्रिटिशर्स भी ऐसा ही करते थे, वो गोरखाली सीखते थे और सेम ट्रेडिशन आज तक फॉलो होता है।
और साथ ही फिर इन्हें जोड़ता है इनका झांबरे नृत्य। एक गोरखा सोल्जर, वो भी एक मार्शल ट्राइब है, और वो बाकी इंडियन आर्मी में हालांकि डोगराज हैं, मराठास हैं, तंबीज हैं, फिर आपके सिख हैं और हर तरह के ट्रूप्स हैं, बट तीन क्वालिटीज एक गोरखा ट्रूप में कैसी है जो उनको इस गोरखा ट्राइब को सब सोल्जर से अलग खड़ा करती है, वो है उनकी सिंप्लिसिटी, लॉयल्टी और ब्रेवरी। वो अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपनी यूनिट और रेजिमेंट के लिए, वो अपनी जान देने में भी एक सेकंड के लिए वो अपनी परवाह नहीं करते हैं। सैम मानेकशॉ ने भी बोला है, इफ सोल्जर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग देन आइदर ही इज ए लायर और ही इज ए गोरखा। सो ये बात एक गोरखा सोल्जर के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती है। और जो शुरू से एक गोरखा सोल्जर का मोटो है वो है काफर हुनू बंदा मरनू राम, दैट मींस इट्स बेटर टू डाई रादर बीइंग अ कॉवर्ड। बलिदान का ये जज्बा, खुखरी की धार और दुर्गा मां का आशीर्वाद लिए जब ये गोरखा आगे बढ़ता है तो दुश्मन लड़ना तो दूर, आंख मिलाने से भी कतराता है। कर्तव्य निष्ठा और देश के प्रति समर्पित गोरखा रेजिमेंट आज भारतीय फौज की सबसे मजबूत रेजिमेंट है, जो कठिन से कठिन ऑपरेशंस में अपनी वीरता की छाप छोड़कर आते हैं। हिमाचल